हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में 17 सितंबर से लेकर के अभी तक के पूछे गए सभी प्रश्न। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका भी एग्जाम नहीं हुआ है, यानी कि एग्जाम अभी होने वाला है इन फ्यूचर। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ में भी शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं आपको हर एक शिफ्ट का एनालिसिस भी मिलता रहे और जितने भी मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करता हूँ वो भी आप तक पहुँच सके, ऑनलाइन टेस्ट भी आप तक पहुँच सके, तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ा रहा हूं, यहां पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की है। अगर आपको वीडियो देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूं कि आप एक लाइक तो जरूर करेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन है, क्रिस्टल अवार्ड 2018 किसको मिला है? ये आपका शाहरुख खान राइट आंसर हो जाएगा। 2018 का गौरव पुरस्कार किसने जीता? दिनकर जोशी ने, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मुख्यमंत्री पहले मंदिर का पुजारी था? योगी आदित्यनाथ, यानी कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं। एशिया महिला हॉकी कप किसने जीता? ये इंडिया ने जीता है। किस पाकिस्तान खिलाड़ी ने ओडीआई में 200 रन बनाए हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जितने भी आंसर आपसे आते होंगे, आंसर यहाँ पे नहीं लिखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, ठीक है। पीरियोडिक टेबल से आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये तो आप सभी को पता है। न्यूटन के नियम जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये आपका पीएम जो भी होगा देश का वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा, ठीक है। तो अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब कोई चीज पिघलती है तो उसके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है? ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। बाहुबली मूवी के डायरेक्टर कौन है? तो ये तो कई बार आ चुका है, एसएस राजमौली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिलेनियम ग्रुप किसको बोलते हैं? नाइन्थ ग्रुप को मिलेनियम ग्रुप बोलते हैं। ग्रैमी अवार्ड किसे मिला 2018 का? ब्रूनो मार्स को, ठीक है। आसाम के गवर्नर जगदीश मुखी, ये भी आपका आ चुका है। अटल एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? बुंदल एक्सप्रेस, तो ये भी आपका आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महिला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अत्यधिक विकेट ली? तो ये जुल्लन गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका, आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनी है? परमाणु संख्या, ये भी आपका रिपीट हो चुका है, ठीक है। पीलिया में सबसे ज्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो ये आई थिंक आपका 20 मई 1498, हाँ 20 मई 1498 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1498 में, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका, सांप के अंदर कितनी पसलियां होती है? तो 220, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटस मैक्सिमस राइट आंसर हो जाएगा। कोलकाता किस नदी के ऊपर है? हुगली के, ठीक है। नोटबंदी कब हुई थी? 8 नवंबर 2016 में, ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? पर्यावरण रक्षा से, ठीक है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी दोबारा रिपीट हो गया। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? ये हो जाएगा स्केर्ड लोटस, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन आया था एक बार। नेक्स्ट आपका, पृथ्वी पर जी की सबसे ज्यादा वैल्यू क्या होती है? तो 9.8 मीटर स्क्वायर ये होती है, और ये पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है, तो ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, पोल्स पे। शरीर में यूरिया कहाँ बनता है? मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वेवलेंथ की एसआई यूनिट मीटर होती है, तो ये भी आपका पूछा गया था, ठीक है। G20 2018 का शिखर सम्मेलन कहाँ पर होगा? अर्जेंटीना में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? एटॉमिक नंबर पे, दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। इनर्ट गैस किस ग्रुप में रखी जाती है? 18वें ग्रुप में रखी जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल राइट आंसर हो जाएगा, रेटिनोल, ठीक है। वीवो के ब्रांड एम्बेसिडर कौन है? आमिर खान। देखिए ये क्वेश्चन है ना रिपीट हो सकते हैं सारे के सारे, अगर आप देख लेंगे पूरी वीडियो को तो रिपीट मिलेंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका, शरीर की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था, तो एशिया गेम 2018 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था रेसलिंग में,
ठीक है, टाइफाइड बुखार में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका जो होता है वो प्रभावित होता है। पावर की एसआई यूनिट वॉट होती है, ये भी आपका पूछा गया था। स्विट्जरलैंड की कैपिटल यहाँ पे पूछी गई, बेरू राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हेमा दास ने कौन से इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था, तो 400x400 रिले का जो था इसमें इन्होंने एक में जीता था गोल्ड, एक में सिल्वर और एक में और सिल्वर जीता था 400 मीटर में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा तीनों की तीनों। ठीक है, ऊपर फेंकी गई चीज़ें नीचे क्यों आ जाती है, तो आपका एक ग्रेविटी से ग्रेविटेशन के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोबिन सिंह किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। साइंस के महान वैज्ञानिक आर्कमेडीज किस देश से संबंधित है, ग्रीस से। ठीक है, तो कौन सी ऊंचाई अनुस्थल उपग्रह की है, तो 36,000 कुछ ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एसबीआई में सिक्स्थ बैंक कब मिलाया गया, तो 2016 में। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए अवार्ड मिला, रुस्तम के लिए। परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी, मोसले ने। वाटर का पीएच मान 7 होता है। 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है, एनके सिंह। कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27। और आपका एचआरडी मिनिस्टर कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। टी20 के अंदर किस भारतीय खिलाड़ी ने 5 विकेट लिए थे, कुलदीप यादव ने। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके सारे पूछे गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्रोमोसोम किस चीज से मिलकर बनते हैं, तो डीएनए प्रोटीन, और प्रोटीन भी इसमें कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन, इसका नाम भी पूछ लिया जाता है। साई की यहाँ पे फुल फॉर्म भी आ चुकी है, साई मींस होता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसके चेयरमैन भी आ चुके हैं नीलम कपूर, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अष्टांग नियम किसने दिया था, न्यूलैंड ने, ये भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने, ये भी आपका आ चुका है। ठीक है, ये है रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट, तो कोई यूनिट नहीं होती है रिलेटिव डेंसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये कुछ क्वेश्चन था। हरियाणा के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार है आपकी, तो ये बीजेपी हो जाएगा राइट आंसर। बच्चा पैदा होता है उसमें माता पिता के कितने जीन्स होते हैं, तो आपके हाफ फादर के और हाफ मदर के, कुछ इस तरीके से आपको आंसर लगाना होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑप्शन में क्या दे रखा होता है, पॉइंट में दे रखा है या हाफ करके दे रखा है, इस तरीके से देखना पड़ता है। लिम्बा राम कौन से खेल से संबंधित है, तीरंदाजी से, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका T20 में सबसे तेजी से सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी, रोहित शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका अन्ना बुक के ऑथर कौन है, अन्ना मारिया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक था आपका अरावली रेंज कहां पर स्थित है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन आपकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। दो ऐसे विवादित तत्व बताएं जो मेंडलीव के समय पीरियोडिक टेबल में स्थान फिक्स नहीं हो पा रहा था जिनका, तो कोबाल्ट और निकल, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, आगे से भी दोबारा भी रिपीट हो सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नमक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो गांधी जी ने की थी, सभी को पता है 1930 में। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था, ये 1582 में अकबर ने शुरू किया था। आवर्त सारणी में 19वें पर कौन सा तत्व है, पोटेशियम यानी कि के। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल है। जाइलम कितने प्रकार के होते हैं, ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। जड़त्व का कौन सा नियम है, पहला। डोनाल्ड ट्रंप किस देश के राष्ट्रपति है, अमेरिका के। ये तो ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं और ये रिपीट भी होंगे, हो रखे हैं, ये आपको आगे मिलेंगे फिर दोबारा से रिपीट भी। इंडिया में सहवाग से अलग टेस्ट मैच में 300 से अधिक रन बनाने वाला, तो ये इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूँ क्योंकि इसके थ्रू आप कमेंट भी करेंगे। ठीक है, डीएनए सर्वाधिक कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, तो उस टाइम पे नहीं मिला था, तो अभी तो क्या मिलेगा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट आपका कोशिका कहाँ होती है, अग्नाशय में। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम आपका होता है फाइटोडायनोसिन होता है, कुछ इस तरीके से स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा आप। पोरीफेरा कौन सी है, तो ये भी आपका कोई क्वेश्चन था। एक था आपका 2017 में फिल्म महोत्सव की थीम क्या थी, तो एक बार देख लीजिएगा। देखिए, जितने भी मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ इनके टॉपिक तो नोट करते रहिएगा, कहाँ कहाँ से ये टॉपिक्स, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अभी सीओ और ये तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट वाली जो शिफ्ट हो रही है अभी लास्ट में आपकी, जो अभी लास्ट में मतलब हुई है, उनमें आपके सीईओ और ये आपके गवर्नर हो गए, सीएम हो गए, ये नहीं पूछे जा रहे हैं। तो आप फिर भी इनको देख लीजिए, क्या पता दोबारा से फिर रिपीट करने लगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बैक्टीरिया किसे कहते हैं, जीवाणु को। ठीक है, सीओ एसबीआई अनुदिति भट्टाचार्य राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी का
अन्य नाम क्या होता है? एंथ्रोसाइट, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान के पीएम तो आपके शिंजो आबे, राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है और पहले भी आ चुका कई बार। मैन हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? तो ये इंडिया में होना है, ये तो बहुत बार आ चुका है और ध्यान रखिएगा इंडिया में होना है, ये आपका आगे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका यूपीआई बैंक ऐप रिलेटेड क्वेश्चन था, एक था प्लेइंग इट इज माई वे बुक किसकी है? सचिन तेंदुलकर की ये बुक है। ठीक है, नेक्स्ट आपका बाहुबली मूवी में कटप्पा का किरदार किसने निभाया था? तो ये था सत्यराज, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था आपका अल्बर्ट डैम कहाँ है? कृष्णा नदी पर है आपका। और एक था ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि पद्मावत मूवी में गोरा पागल का रोल किसने किया था? अगर आपको पता होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? ऑर्गन गैस या फिर नाइट्रोजन भी हम ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, फ्रिज में कौन सा एलिमेंट यूज होता है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक बेंटिंग ने। पीरियोडिक टेबल से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बैंग बैंग थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ चुका है, सॉरी बिग बैंग थ्योरी से, और आपका एनपीसीआई का सीईओ दिलीप, राइट आंसर हो जाएगा। तो टॉपिक आप नोट करते रहिए कहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। फिर से दोबारा से आपका वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है यहाँ पे, नीति आयोग का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। तो देखिए क्वेश्चन को बार बार घुमा के वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पीएम ही इसका राइट आंसर होगा। फीफा का बेस्ट यंग प्लेयर आई थिंक आपका एक नाम है कालियान पता नहीं कुछ ऐसा नाम है, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, KYI यही है। ठीक है, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आपका CaSO4 H2O, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी धातु ओस्मियम, राइट आंसर हो जाएगा। कशेरु दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती है। नेशनल स्पोर्ट एकेडमी की स्थापना किसके लिए की गई थी? तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैसे राइट आंसर लगना था, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, 14 से 25 साल तक के बच्चों के लिए खेलने के लिए, मतलब यहाँ पे ताकि उन्हें थोड़ा मिले, उन्हें मतलब पूरा इन्वायरमेंट मिले खेलने का और वो आगे बढ़ सके, इसके लिए ये बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी के चेयरमैन अमित मिश्रा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कैरेट्स यानी कि गाजर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन के कोडिंग भी यहाँ पे लगाना था, अगर कैरेट नहीं होगा आपका ऑप्शन में तो तब फिर क्या होगा? 18वें ग्रुप में कितने एलिमेंट होते हैं? तो 7 होते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे कम उम्र की महिला जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, इन ये राइट आंसर हो जाएगा मालवत पूर्णा, ये 13 साल की उम्र में ही माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एलिमेंट ग्रुप 17 में होगा? तो ऑप्शन देखकर यहाँ पे राइट आंसर लगाया जा सकता है। आयरन का एटॉमिक नंबर यहाँ पे पूछा गया था, तो आपका हो जाएगा 26, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था एल्कलाइन का फॉर्मूला भी यहाँ पे पूछा गया था, तो CnH2n, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2000 के नोट पर मंगलयान क्या दर्शाता है? तो मंगलयान दर्शाता है कि मंगलयान पे मतलब सफल परीक्षण पे हम पहुंच गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो कुछ इसी तरीके का कोई लाइन आपको वहां पे कोटेशन लिखी होगी, उसके अकॉर्डिंग आपको राइट आंसर लगाना था। ठीक है भाई, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेस्टिव प्रोटीन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो देख लीजिएगा ये टॉपिक भी। ठीक है, विक्टोरिया हॉल कहाँ पर है आपका? ये कोलकाता में हो जाएगा, राइट आंसर। फॉर्मूला ऑफ लेंस भी पूछा गया था, तो 1f बराबर क्या होता है? 1/v - 1/u। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। डीएमके एंड AIDMK पार्टी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। हाइड्रोजन की परमाणु त्रिज्या कितनी होती है? तो 53 पीमी, या फिर आप नैनोमीटर में देखें तो 0.037 नैनोमीटर होती है। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर के लिए किसको मिला था? अक्षय कुमार को रुस्तम फिल्म के लिए। ठीक है, जीव जगत का सबसे बड़ा जंतु, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। भारत के खेल मंत्री कौन है? राज्यवर्धन सिंह राठौर, राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से लगातार क्वेश्चंस पूछे ही गए हैं आपके, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो पॉइंट पता होते हैं और आपको मतलब आंसर नहीं पता होता। किसी की पीएच वैल्यू पूछी गई थी तो उस टाइम के क्वेश्चंस हैं, तो ये मैंने दोबारा नहीं लिखे हैं सारों को, बस मैं कलेक्ट करके लेके आया हूं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना, तो ब्यूनोस आयरस, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन, राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट न्यूज चैनल अवार्ड किसको मिला है हिंदी में आज तक, और इंग्लिश में NDTV को? अगर कोई और होगा तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर
बना है, तो चेनाब नदी राइट आंसर हो जाएगा। 2017 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला? विनोद खन्ना को, राइट आंसर हो जाएगा। 2017 का फ्रांस कैपिटल क्या है? पेरिस है, सभी को पता है। 2017 में गुजरात के सीएम कौन थे? विजय रूपाणी। कौन सा मुख्यमंत्री पहले मंदिर का पुजारी था? रिपीट हो गया, योगी आदित्यनाथ जी। आलमगीर की उपाधि किसे दी गई? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सर्च करके बताएं चाहे जैसे भी बताएं, ठीक है। शेर शाह सूरी के दूसरे नाम क्या थे? तो फरीद खान, शेर खान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निकी एशिया प्राइज 2018 किसको मिला? तो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक राइट आंसर हो जाएगा। ई सिगरेट को किन राज्यों में बंद कर दिया गया है? आपका ये हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरला, ये बहुत सारे राज्य हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई आंसर आपका होना था। आईफा अवार्ड 2017 बेस्ट एक्टर के लिए मिला है शाहिद कपूर को, और आईफा अवार्ड 2017 आपका बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मिला है आलिया भट्ट को, ठीक है। अमृता सेन किस से संबंधित है? तो ये अर्थशास्त्र से, यानी कि इकोनॉमिक से संबंधित है, ठीक है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे आपका होता है 8 मई को, और 2016 का देखिए, 2017 का मैंने बताया, 2016 का भी देख लीजिए, का दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? मनोज कुमार को, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका मानव के में पाए जाने वाले गुणसूत्र, तो 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। सबसे हल्की धातु सिलिकॉन होती है, ये भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लुमिनस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पहले भी आ चुका है, तो देख लीजिएगा, CaSO4 ½ H2O राइट आंसर हो जाएगा। सेल दीवार किसकी बनी होती है? सेलुलोज राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत की किस अभिनेत्री को कौन सा अवार्ड दिया गया? कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था, तो देख लीजिएगा। सुंदरवल डेटा किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए। 2017 में पद्म भूषण किसको मिला? ये भी आप देख लीजिएगा। धरती कितने अंश पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री पे, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूं जल्दी जल्दी से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाफ गर्लफ्रेंड बुक किसकी है? चेतन भगत राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे मोहन, यहाँ पे प्यारे मोहन होगा, किस पार्टी से है? उड़ीसा जन मोर्चा, ये राइट आंसर हो जाएगा। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, सॉरी 23 नवंबर का, नंबर का एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है? 5वें ग्रुप में आता है। एंथनॉल का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था, तो C2H6O राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका गीता और महाभारत से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए, अर्जुन पुरस्कार पूछा गया था किसी का। अटाला मस्जिद कहाँ पर है? ये आपका आई थिंक यूपी या एमपी में है, तो देख लीजिएगा एक बार कहाँ पे है, राइट आंसर मुझे बताइएगा, ठीक है। एक था आपका, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु, यानी कि एरिस्टोटल को, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एरिस्टोटल राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका पूछा गया था। बेजीन के अंदर कितने डबल बॉन्ड होते हैं? ये आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। खेल से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। लेंस की अक्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस क्या होती है? डायोप्टर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज भी यहाँ पे पूछे जा चुके हैं, तो दीपक मिश्रा राइट आंसर हो जाएगा। इनसे पहले कौन थे? जगदीश सिंह खेर राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन राइट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, ये भी आ चुका है। 36 नंबर एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है? 18वें ग्रुप में आता है। भारी जल का फॉर्मूला D2O राइट आंसर हो जाएगा। डच शब्द किससे संबंधित है? तो ये भी पूछा जा चुका है, करप्शन रैंक ऑफ इंडिया, ये कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। नेक्स्ट है आपका ओटावा मस्जिद, ये आपका आ चुका है और ये कनाडा में है, ठीक है। ओटावा मस्जिद कहाँ पर है? कनाडा में। देखिए ये क्वेश्चन फिर दोबारा से आ गया है, इंडिया वुमेन क्रिकेट खिलाड़ी किसने 200 विकेट लिए हैं? ये आपका हो जाएगा जुल्लन, ठीक है, जुल्लन गोस्वामी राइट आंसर हो जाएगा। मिजोरम के गवर्नर कुमनाम राज्य शेखरान राइट आंसर हो जाएगा। FICCI की फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उत्तक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, श्रीदेवी को कौन सी फिल्म के लिए अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोम फिल्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बेस्ट ओस्कर मूवी 2017, तो ये राइट आंसर हो जाएगा शेप ऑफ वाटर, ठीक है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर मेनका गांधी राइट आंसर हो जाएगा। गारो हिल्स कहाँ पर है? मेघालय में राइट आंसर हो जाएगा। सोशल फिल्म अवार्ड 2017 से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा एक बार। देखिए ज़्यादा कुछ वो नहीं करना है, अगर कोई भी टॉपिक आपसे नहीं आता है तो गूगल पे डालिए, वहाँ से थोड़ी भी चीज़ पढ़ लेना, क्या पता उसमें से आपका क्वेश्चन फंस जाए, ठीक है। कैपिटल ऑफ श्रीलंका, तो जयवर्धने पूरा कोटे राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका अवार्ड किस सीएम को मिला है? तो ये कई सीएम को मिला था, एक चंद्रबाबू नायडू वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट आंसर था। प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया, तो ये आपका हो जाएगा राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह राइट आंसर हो जाएगा। वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है?
8 अक्टूबर को, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है? ब्रूनो मार्स 2018 में, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एक है शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर होगा 2019 का, तो न्यू दिल्ली में ये होना है। 2017 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो चीन में हुआ था। 2018 का कहां पे होगा, साउथ अफ्रीका में। 2019 का कहां पे होगा, ब्राजील में। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी आ सकते हैं, ठीक है। एक है आपका गवर्नर ऑफ सिक्किम, तो गंगा प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आ चुका है। नीति आयोग के अध्यक्ष इतनी बार आ चुका है, तीसरी बार तो मैं ही अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे पीएम होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, वाइस चेयरमैन आपके कौन है, राजीव कुमार। डायरेक्टर कौन है, दिनेश अरोरा। और यहाँ पे आपका सीईओ कौन है, अमिताभ कांत। ये तीनों चारों याद रख लीजिएगा, क्वेश्चन एक ना एक पूछा जा सकता है। अगर आपका पेपर तुम्हारा लक साथ दे गया तो इनमें से भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सीएम ऑफ कर्नाटका, तो कर्नाटक के सीएम कौन है, आपका देवगौड़ा कुमार स्वामी राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी, तो ये भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग किया जा सकता था। एप्पल के बाद सबसे ज्यादा कमाने वाली कंपनी, देखें यहाँ पे अमेजोन हो सकता है, और जो भी राइट आंसर होगा मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। गुलाम वंश की शुरुआत किसने की थी, ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। गोल्ड मूवी के डायरेक्टर कौन है, रीमा कागजी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट था जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था पौधे की प्रजनन क्रिया क्या बोला जाता है उसको, पोलेन ग्रेन राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका पूछा जा चुका है, ठीक है भाई। देखिए एक ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, दिलीप बाबा साहेब भोसले राइट आंसर हो जाएगा। हेमा दास के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि हेमा दास ने कौन सा मेडल जीता था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो गोल्ड था, बट मैंने अभी आपको बताया भी था कि एशिया गेम में जो जकार्ता में हुए थे इन्होंने 400 रिले में, ठीक है, सिंगल में इन्होंने वुमेन में गोल्ड जीता था, और मिक्स में इन्होंने सिल्वर जीता था, और एशिया गेम में इन्होंने 400 मीटर की रेस में इन्होंने सिल्वर जीता था। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इनमें से कोई सा भी आपका आ सकता है। सबसे बड़ा अंग, तो देखिए लीवर होता है, अगर आपको लीवर ऑप्शन में नहीं है तो स्किन लगाना है, बट अगर लीवर ऑप्शन में है और स्किन भी है तो आपको लीवर ही लगाना है, ठीक है। अंग पूछा है तो स्किन आपका तब होगा जब लीवर नहीं दिया गया होगा ऑप्शन में। प्रोटीन की खोज किसने की थी, मुल्डर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन का तो हो ही चुका है, एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर देखिए विराट कोहली है या फिर कोई और है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। या फिर एक मिनट रुको, देखिए अलग अलग चीज के लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर है। यहाँ पे जैसे ड्रग्स के लिए आपके संजय दत्त हो गए, तो इस तरीके से आपका किस चीज में पूछा गया है तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। एटम किसके द्वारा खोजा गया था, तो डाल्टन राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है, 120/80 mmHg, ठीक है। परमाणु मूवी के डायरेक्टर कौन है, अभिषेक शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। बॉडी में पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइक्रोकोंडिया राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, 25 अप्रैल को, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यहाँ पे पूछी गई थी तो कितनी हो जाएगी, 12, ये भी आपका पूछा गया था। बाहुबली मूवी में देवसेना का किरदार किसने निभाया था, अनुष्का शेट्टी, ये भी आपका पूछा गया था। प्लाज्मा के अंदर पानी की मात्रा कितनी होती है, 90-92% तक, ये आपका बीच में जो भी पॉइंट में भी दे रखा होगा तो ये आपको ध्यान रखना है, इतने के बीच में कोई भी आंसर होगा तो वही आपको राइट आंसर लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो है पैडमैन मूवी किसके ऊपर थी, तो संजय दत्त सैनिटरी पैड यार राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। पैडमैन मूवी आपके सैनिटरी पैड के ऊपर थी। टंगस्टन का गलनांक पॉइंट कितना, गलनांक जो होता है पॉइंट कितना होता है, वो 3422 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। राशिद खान IPL में किस टीम के से खेले थे, तो सनराइजर हैदराबाद राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ी लंबी वीडियो बनानी पड़ती है तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हो जाती है, ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करिएगा। दुती चंद ने कौन सा मेडल जीता, तो सिल्वर मेडल 100 और 200 मीटर में, ठीक है भाई। एक था आपका फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, तो फ्लोपिन ट्यूब राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। भ्रूण भोजन कहां से प्राप्त करता है, तो प्लेजेंटा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सचिन तेंदुलकर ने अपनी 100वीं सेंचुरी किस देश के अगेंस्ट बनाई थी, तो बांग्लादेश और ढाका में बनाई थी, तो ये भी ध्यान रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 37 होते हैं, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन कब हुआ था, 16 अगस्त 2018 में। दंगल मूवी किस फैमिली पर बनाई गई है, फोगाट फैमिली पर,
ठीक है, पोरीफेरा जंतु जगत में कौन से संघ पर आता है, ये आपका पहले पे आता है। मिस्टर ओलंपिया 2017 किसने जीता, तो ये कुछ टीम करके है, टीम एंड्रोरा कुछ इस तरीके का नाम है, तो आप देख लीजिएगा भाई, ठीक है। इंद्रावती डैम कौन से स्टेट में है, तो उड़ीसा में हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम ग्लाइसिन मैक्स, राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नाडेला, राइट आंसर हो जाएगा। रेलवे की यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, वडोदरा में, ठीक है। और सनराइजर हैदराबाद के मालिक कौन है, तो ये हो जाएगा काली निधि मारन, और एक है आपका सन टीवी नेटवर्क, ठीक है। नेक्स्ट आपका लो कमीशन के चेयरमैन कौन है, बलबीर सिंह चौहान। सऊदी अरब में भारत की सबसे पहली मूवी कौन सी रिलीज हुई, गोल्ड, गोल्ड मूवी जो है वो रिलीज हुई है, ठीक है। वाटर का पीएच 7। नेक्स्ट आपका विराट कोहली ने अभी तक वनडे में कितने शतक लगाए, 23 शतक लगाए हैं, तो ये अभी आपका पूछा गया था। यूए की राजधानी क्या है, अबू धाबी, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के चेयरमैन कौन है, टी सुवर्णा राजू, राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान क्रिकेट टीम के नए कप्तान कौन है, मनेरिया, राइट आंसर हो जाएगा। डेसिबल किसकी यूनिट है, ध्वनि साउंड की, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है, अस्काबाद, राइट आंसर हो जाएगा। ITA अवार्ड 2017 किसने जीता, एकता कपूर ने। अपना गांव अपना विकास किस राज्य से संबंधित है, आपका राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट आपका कर्नाटका के वाइस CM कौन है, तो डॉक्टर जी परमेश्वरा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। जिप्सम को गर्म करने से क्या बनता है, POP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट आंसर हो जाएगा, तो ये भी आपका पूछा गया था। नेक्स्ट आपका जो है बंधन बैंक के CEO चंद्रशेखर घोष, राइट आंसर हो जाएगा। फूल में नर जन को क्या कहते हैं, पोलेग्रेन, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हॉकी वर्ल्ड कप 2018 कहाँ पे होना है, देखिए दूसरी बार तीसरी बार शायद रिपीट हो चुका है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इंडिया, ठीक है, ठीक है भाई। एक था आपका बिम्सटेक फेस्टिवल कहाँ पर हुआ था, तो ये भी इंडिया, न्यू दिल्ली में ही हुआ था। ककाडू 2018 मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में हुई है, आपकी ये इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल ऑफ श्रीलंका श्री जयवर्धने पुरा कोटे, राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ आसाम जगदीश मुखी, रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ सेन वॉन, नो स्पिन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेशनल फिल्म आपकी कौन सी है, विलेज रॉक स्टार। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2019 फ्रांस में, ठीक है। मिलिट्री एक्सरसाइज सॉरी मैत्री एक्सरसाइज जो मिलिट्री एक्सरसाइज वो किस किस के बीच में होती है, इंडिया और थाईलैंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, फ्री सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट इन विच स्टेट, आपका राजस्थान, राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, रेखा शर्मा को। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपका जूसुफ काला, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, इनको देख के जाइएगा भाई। ऐसे आपका PM भी पूछा गया है जिम्बाब्वे का, तो रॉबर्ट मुगाबे, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ कार्बन 6 होता है। फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3, राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम बिलोंग विच ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, तो 18वें ग्रुप से बिलोंग करती है। हीलियम का एटॉमिक नंबर भी देख लीजिए 2 होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका लेटिन नेम ऑफ आयरन Fe यानी कि फेरम, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप व्हाट इज द लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, तो मोशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड रूल, और राइट हैंड रूल भी देख लीजिए, फोर्स हो जाएगा राइट हैंड रूल आपका फ्लेमिंग का, ठीक है भाई। ये भी आपका पूछा गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का कई बार आ चुका है, देख लीजिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम Mg यानी कि 12 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, ये भी पूछा गया था, CEO ऑफ एप्पल, तो टिम कुक, राइट आंसर हो जाएगा। रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया, मुकेश अंबानी हो जाएगा। बेस्ट लिविंग सिटी इन वर्ल्ड, वेना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वुमेन एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म लॉन्च नीति आयोग ने, राइट आंसर हो जाएगा। हिमायत प्रोग्राम रिलेटेड टू विच स्टेट, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नोबेल अवार्ड 2017 लिटरेसी में आपका मिला था इसिको गोरो, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका नोबेल पीस प्राइज 2017 ICAN, राइट आंसर हो जाएगा। CM ऑफ त्रिपुरा बिप्लब कुमार देव, राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो आबे, राइट आंसर हो जाएगा, पहले भी आ चुका है, ठीक है। सागरमुला प्रोजेक्ट रिलेटेड टू न्यू किससे रिलेटेड है, ये न्यू मेगा पोर्ट्स और मॉडर्नाइजेशन, जो हमारे पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, बंदरगाह, उनको मतलब कुछ नए बंदरगाह बनाने में और कुछ को मॉडर्नाइजेशन करने में, उसके लिए ये प्रोजेक्ट आपका हुआ था। भोपाल गैस ट्रेजेडी आपकी हुई थी, तो उसमें कौन सी गैस थी, वो मेथाइल आइसोसाइनेट, राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल फिल्म अवार्ड 2018 से कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया अहमदाबाद, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला आपका हो जाएगा निकोलस मदुरो, राइट आंसर हो जाएगा। और कैपिटल ऑफ नीदरलैंड
एमस्टर्डम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, एमस्टर्डम, ठीक है। नेक्स्ट आपका सबसे भारी ग्रह या आपका बृहस्पति यानी कि जुपिटर राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट लिविंग सिटी इन इंडिया पुणे हो जाएगा। 100 स्मार्ट सिटी यानी कि 100वीं स्मार्ट सिटी कौन है, शिलोंग राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो भारत जो है वो दुनिया की 6ठी बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। मैन बुकर प्राइज ऑफ 2018 ओल्गो राइट आंसर हो जाएगा। गवर्नर ऑफ बिहार लालजी टंडन राइट आंसर हो जाएगा। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका पूछा गया था। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि पीएम ऑफ पाकिस्तान तो इमरान खान हो जाएगा, और प्रेसिडेंट देखिए आसिफ अली जरदारी, ये आपके पहले थे, ठीक है। अभी कौन है, अभी है आरिफ आलवी राइट आंसर हो जाएगा, जो अभी करंट में है तो वो आरिफ आलवी है। नेक्स्ट आपका स्पोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये सभी को आपको पता होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, ठीक है। 2018 का ऑस्ट्रेलिया वुमेन ओपन किसने जीता, कार्लोइन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बजाज ऑटो के सीईओ आपका राजीव बजाज राइट आंसर हो जाएगा। केरल के सीएम कौन है, पिनराई विजयन राइट आंसर हो जाएगा। गोवा किस नदी पर आपका बसा हुआ है, मांडलीव राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। मुख्यालय इसका दिल्ली में है नीति आयोग का, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सीईओ कौन है, अमिताभ कांत है। डेट ये देखिए, नीति आयोग से पहले ये प्लानिंग कमीशन था, तो प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग में कब बदला गया ये भी ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में, तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका 1×10⁻¹⁹ आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लांट हार्मोन संबंधित प्रश्न आपके पूछे जा ही रहे हैं, प्लांट से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आईपीएल 2018 में इमर्जिंग प्लेयर कौन रहा, ऋषभ पंत राइट आंसर हो जाएगा। सेबी की फुल फॉर्म भी यहाँ पे आ चुकी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, मुंबई, जो कि 1911 में आपका बना था। आत्मकथा खुल्लम खुल्ला किसकी है, आत्मकथा खुल्लम खुल्ला आपकी ऋषि कपूर की है, और असम के गवर्नर तो बहुत ही बार आ चुके हैं, जगदीश मुखी राइट आंसर हो जाएगा। एक था कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका दोबारा रिपीट हो गया, असम के गवर्नर बहुत ही ज़्यादा बार आ चुका है। नेक्स्ट आपका था कि सरस्वती पुरस्कार किसने प्राप्त किया, तो ये आपका 2017 में शतांशु राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये भी आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि शुरू के भी पूछ लिए जाते हैं कि 1991, 92, 93, 94 के मैंने चारों के लिख दिए यहाँ पे, ये भी आ सकते हैं, ठीक है। प्रतिहारी वंश की स्थापना किसने की थी, हरिचंद्र ने, ठीक है, हरिश्चंद्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। इरांका ट्रंप जो कि आपकी डोनाल्ड ट्रंप की बेटी है, 2017 में भारत के में किस उद्देश्य के लिए आई थी, तो बिजनेस पर्पज के लिए आई थी, हैदराबाद में, तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा बाकी की चीज़ें। आपका था वास्को डिगामा भारत का पहुंचा, ये आपका देखिए दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, 20 मई 1498 में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चिंचोटी वाटरफॉल कहाँ पर है, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन को किसने डिस्कवर किया था, जेम्स चैडविक राइट आंसर हो जाएगा। अपना गांव अपना काम स्लोगन किस राज्य का है, झारखंड का है। खेल मंत्री कौन है, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। गर्भाशय के दौरान कौन सा हार्मोन सर्वित होता है, ऑक्सीटोसिन राइट आंसर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया था, तो mv²/r राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। परमाणु मूवी के डायरेक्टर अभिषेक शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। हेमा दास ने दो एशिया गेम 2018 में कितने मेडल जीते थे, 3 मेडल जीते थे, मैंने बताया था 2 सिल्वर 1 गोल्ड, ठीक है। गुप्त वंश की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के नंबर किस नंबर पर आता है, तो आप सभी को पता है, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, शुरू में मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लूटो को ग्रह की सूची से कब हटा दिया गया था, तो 24 अगस्त 2016 में। नेशनल स्पोर्ट अकेडमी से रिलेटेड क्वेश्चन था। चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है, ओपी रावत राइट आंसर हो जाएगा। शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर होगा, इंडिया में होना है। लाल किला किसने बनवाया था, शाहजहां ने। आरबीसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, ठीक है। अणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया, रदरफोर्ड ने, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट था आपका आर्चरी वर्ल्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो उस टाइम ही नहीं पता चला था ये, तो
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। जीएसटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रखी है। अगर आपने ये सारे ऑनलाइन टेस्ट दे रखे होंगे ना, जितने भी मैंने लिए हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस उसमें मिल जाएंगे। रात भी मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट लिया था और लगातार मैं ऑनलाइन टेस्ट आपके लिए कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे मिल रहे हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे भारी ग्रह जुपिटर हो जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा। राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग आपका 4 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम आपका 12 हो जाएगा। किस देश का पीएम भी पूछा गया था, ये मतलब ये बताया गया था उस टाइम पे किसी बच्चे ने, किसी देश का पीएम भी पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन कि यूपी के गवर्नर कौन है, राम नाइक राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के गवर्नर कप्तान सिंह सोलंकी राइट आंसर हो जाएगा। अष्टांग सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था। मेल हार्मोन कौन सा होता है, टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल वुमेन कमीशन के अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में फ्लोएम का क्या इस्तेमाल होता है, तो भोजन का ट्रांसपोर्टेशन आपका फ्लोएम करता है और आपका जो जाइलम होता है वो वाटर का फ्लो करता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर आपका अमिताभ बच्चन है आई थिंक, अगर नहीं है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा। उत्तर लेंस कहाँ पर उपयोग होता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कैपिटल यानी कि आप बता सकते थे, कैपिटल और ऑफ हंगरी, हंगरी की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है, बुदापेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। जड़त्व का नियम किसने दिया था, नियम किसने दिया किसे कहते हैं, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था शायद, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो राइट आंसर आप मुझे बताइएगा किसने दिया था, ठीक है, तो सभी को पता होगा इतना। जड़त्व का नियम किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो मैंने ही बता दिया। एक था सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला आपका mv²/r राइट आंसर हो जाएगा। पौधे में पानी की ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, जाइलम राइट आंसर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ जी 6 यानी कि 6673 × 10^-11 नैनोमीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है भाई, ठीक है भाई। एक आपका विटामिन के पहले भी मैंने बता दिया था, रासायनिक नाम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका कौन सा विटामिन फलों की सब्जी में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी था आपका। विटामिन डी जो कि हमें धूप से मिलता है, सभी को पता है, ठीक है, ठीक है भाई। एक आपका था कि टमाटर में कौन सा एसिड होता है, ऑक्सिलिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका O2 का मॉलिक्यूल मास क्या होता है, 32 राइट आंसर हो जाएगा। हेलोजन कौन से ग्रुप में होता है, तो 17 में होता है। पीलिया में सबसे ज़्यादा कौन सा अंग प्रभावित होता है, जैसे मैंने आपको बताई दिया, क्वेश्चन रिपीट है, यकृत। 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला, प्रोफेसर शंकर घोष को। खट्टे दूध में कौन सा अमल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। जेनेटिक्स कोड की खोज किसने की थी, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइएगा, जो भी इसका होगा। विश्व की सबसे भारी धातु ओस्मियम, ये भी रिपीट हो चुका है। टंगस्टन का ग्लांग पॉइंट भी आपका रिपीट हो चुका है, देख लीजिएगा ये आप, ठीक है, तो ये भी आपका रिपीट हो चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ओपी रावत। गोइटर रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, गले में होता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। अनुवांशिकी का जनक किसको कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2018 कहां पर हुई, तुर्कमेनिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शूटिंग वर्ल्ड कप कहां पर होगा, ये इंडिया में होगा। आगरा को किसने बनवाया था, सिकंदर लोधी ने, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। आर्चरी वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आता है, कहां पर हुआ है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था, देखिएगा आप कमेंट में बताइएगा आंसर। नॉर्थ ईस्ट परिषद के अध्यक्ष कौन होता है, तो होम मिनिस्टर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूरोपीय फिल्म फेस्टिवल 2018 कहां पर हो रहा है, ये आपका नई दिल्ली राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे छोटा पीरियड कौन सा होता है, फर्स्ट पीरियड, जिसमें 2 ही एलिमेंट आपके होते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि सीएम ऑफ नागालैंड, तो नेफ्यू रियो राइट आंसर हो जाएगा आपका। विटामिन सी की कमी से, इसका भी राइट आंसर पहले भी आ चुका है। प्लस पोलियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई, रामनाथ कोविंद जी के राइट आंसर हो जाएगा। J&K जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला किस पार्टी से, NC पार्टी से। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गुरु अर्जुन देव ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसके आधार पर बनी है, परमाणु संख्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहले भी, ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका रोजर फेडरर खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी आपका पूछा गया था। यहाँ पे स्वीडन की राजधानी पूछी गई थी, तो स्टॉकहोम राइट आंसर हो जाएगा, स्टॉकहोम राइट आंसर, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक चार्ल्स डार्विन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है, बेसबॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तीरंदाजी, राइट आंसर हो जाएगा।
मिलेनियम ग्रुप किसको बोलते हैं, नाइन्थ ग्रुप को मिलेनियम, ये भी आपका पहले आ चुका है। नेक्स्ट है आपका पद्मावत मूवी में खिलजी का किरदार किसने निभाया था, रणवीर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। आरबीसी को और क्या नाम से बोला जाता है, एंथ्रोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गोबर गैस में सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, मिथेन राइट आंसर हो जाएगा। आरएच फैक्टर कौन से मंकी से निकला था, तो रेसुस मकैको राइट आंसर हो जाएगा, एक नाम है मंकी का, ठीक है। जेनेटिक्स के पिता किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टर ऑफ डीएमआरसी मंगू सिंह राइट आंसर हो जाएगा। देश का पहला वाईफाई स्टेशन आपका मुंबई सेंट्रल हो जाएगा। बाहुबली मूवी में बल्लाल देव का रोल किसने किया था, राणा दुग्गा बाटी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टीबी की कौन सी वैक्सीनेशन होती है, तो बीसीजी राइट आंसर हो जाएगा। माई जर्नी फॉर मेरिक्सियम टू नेहरूजियम बुक, तो हनुमंत राव ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे है 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, दीपक मिश्रा राइट आंसर हो जाएगा। गुणसूत्र किस से मिलकर बनते हैं, डीएनए प्रोटीन से, ठीक है। गांधी सागर डैम कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है आपका, ठीक है भाई। और नेक्स्ट है आपका सीएम ऑफ झारखंड आरदास हो जाएगा। एक है आपका तमिलनाडु के अंदर कौन सी पार्टी की सरकार है, ADMK राइट आंसर हो जाएगा। D2O का रासायनिक नाम क्या है, हैवी वाटर, ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम ड्यूट्रम ऑक्साइड भी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीएम ऑफ निलको, तो TK चंद राइट आंसर हो जाएगा। अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, इंग्लैंड ने। नोमेडिक एलिफेंट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किस किस देश के बीच में हुई, आपका इंडिया मंगोलिया राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की पावर डायोप्टर सभी को पता है, राइट आंसर हो जाएगा। सीएम ऑफ मणिपुर आपका बीरेन सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक पगोडा किस मंदिर को कहा जाता है, कोणार्क का सन जो टेम्पल है उसको कहा जाता है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, तो बैंगनी वॉयलेट जिसको हम बोलते हैं। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी राइट आंसर हो जाएगा। अटल एक्सप्रेस का पुराना नाम बुंदल एक्सप्रेस राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5 लाख रुपए तक, आरोग्य योजना 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य की छूट इसमें मिल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फीफा 2017 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरस्कार किस खिलाड़ी के पास गया, रोनाल्डो के, ठीक है। स्नूकर चैंपियनशिप 2018 किसने जीती, करेन विल्सन राइट आंसर हो जाएगा। सांप के अंदर कितनी पसलियां होते हैं, 220। मैनलिव की आवर सारणी में टोटल एलिमेंट 63। नोटबंदी कब हुई थी, 8 नवंबर 2016 को। अंडर 17 वर्ल्ड कप किसने जीता, इंग्लैंड ने। सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटस मैक्सिमस राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, 6 अप्रैल को। मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती थी, दिल्ली क्रिकेट टीम ने। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालियम राइट आंसर हो जाएगा, कोबालमीन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट वेबर होती है। गूगल के CEO आपके सुंदर पिचाई हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नोकिया के CEO आपका राजीव सूरी राइट आंसर हो जाएगा। देवनंदा नेशनल पार्क कहाँ पर है, उत्तराखंड में आपका UK में। कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है, हुगली पर, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके ये सारे रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मणिपुर विधानसभा आम चुनाव में किस दल की अत्यधिक सीटें प्राप्त हुई, किस दल को सबसे अधिक, तो कांग्रेस दल को राइट आंसर हो जाएगा। कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है, पारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, आपका 1919 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन भाग नहीं लेता है, तो ऑक्सीजन राइट आंसर हो जाएगा। ICICI बैंक के CEO चंद्रा कोचर राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पे, अमेरिका में। देखिए ये मतलब ये जो कैपिटल है अमेरिका की, वॉशिंगटन DC इसमें है, बट ऑप्शन में आपको अमेरिका दे रखा था, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका महिला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय टूर्नामेंट में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने अत्यधिक विकेट ली, तो झुल्लन गोस्वामी, तो कई बार रिपीट हो चुका है। अन्नू के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, रदरफोर्ड ने। भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, हिमालय, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट में 6000 रन बनाए, मिथाली राज राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री आपके पवन चामलिंग राइट आंसर हो जाएगा। ये सिक्किम के मुख्यमंत्री है और ये किस पार्टी से आते हैं, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट से ये आते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्की गैस आपकी हाइड्रोजन और हीलियम है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो हाइड्रोजन लगाना है, अगर हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं तो हीलियम लगाना है। रॉकेट मैन किसे कहा जाता है, सिवान राइट आंसर हो जाएगा, K सिवान राइट आंसर। देखिए मिसाइल मैन और रॉकेट मैन में डिफरेंस करिएगा, मिसाइल मैन कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को, ठीक है। भारत का बर्ड मैन किसे कहा जाता है, सलीम अली को। ऑस्कर अवार्ड किस मूवी को दिया गया था, मून लाइट को। खाद्य मंत्री कौन है, राम विलास पासवान राइट आंसर
हो जाएगा। विदेश मंत्री कौन है? सुषमा स्वराज, राइट आंसर हो जाएगा। प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है आपका? ऑक्सीटोसिन, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ग्रुप में पहली गैस कौन सी है आपका? क्रिप्टोन, राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? यूपी, आगरा में, ठीक है, आगरा में है, यानी कि ये भी आपका पूछा गया था। 2016 का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मूवी को मिला था? बाहुबली, राइट आंसर हो जाएगा। कांस्य यानी कि ब्रोंज किसकी मिश्र धातु है? कॉपर प्लस टिन की। ये कॉपर प्लस टिन में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन, एक बार देखिएगा भाई, इतनी मेरी जो साइंस है वो मजबूत नहीं है, तो आप देखिएगा, ठीक है, जो राइट आंसर होगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट आपका पीरियोडिक टेबल से 4 से 5 क्वेश्चन है। कौन सी मेट्रो सिटी में तैरता हुआ बाजार बनाया गया? कोलकाता, राइट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट डे आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। सेंट्रल मिनिस्टर से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 18 जून 1858 में हुई थी। नीति आयोग से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ग्रैमी अवार्ड किस देश में दिया जाता है? अमेरिका में दिया जाता है। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपका राजनाथ सिंह जी हो जाएंगे। एचआरडी मिनिस्टर आपका प्रकाश जावड़ेकर जी हो जाएंगे। और फाइनेंशियल मिनिस्टर आपका अरुण जेटली हो जाएंगे। ये तीनों के तीनों अभी एक किसी शिफ्ट में पूछे गए थे। मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था आपका? 29 अगस्त 1905 में, ठीक है, 1905 में। महाराष्ट्र के बागवानी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन, राइट आंसर हो जाएगा। बिग बॉस 11 के कौन होस्ट कर रहा है? देखिए 11 हो चाहे 12 हो चाहे 10 हो चाहे 9 हो, ये सब सलमान खान ने किए, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 12 होगा आई थिंक, क्योंकि कर रहा है पूछा गया, तो 12 होगा। 12 है ना आपकी बार, ये 11 ही है, ये भी मुझे बताइएगा यार, मैं ज़्यादा देखता नहीं हूँ इसको। 2018 ओस्कर बेस्ट एक्टर अवार्ड आपका ग्रेगी ओल्डमैन, ठीक है, इसको दिया गया था। गैरी ओल्डमैन, राइट आंसर हो जाएगा। मन की बात के लेखक का नाम क्या है? राजेश जैन, राइट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, राइट आंसर हो जाएगा। पंजी किस नदी के तट पर स्थित है आपका? मांडोवी नदी के तट पर है, ये राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन हो जाएगा। वेस्ट बंगाल की सीएम कितने देशों से लगती है? वेस्ट बंगाल की सीमा कितने देशों से लगती है? 3 देशों से लगती है, एक तो आपका बांग्लादेश हो गया, फिर ऊपर नेपाल और भूटान हो गया, ठीक है, ये सॉरी इसके लिए कि ये वेस्ट बंगाल की सीमा है, सीएम नहीं है यार, ठीक है ना। स्वच्छ भारत का अभियान का ब्रांड एम्बेसडर आप सभी को पता होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। देखिए जब एकदम से एक बार के मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो को कोई कस्ट पेस्ट नहीं है, बस डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ी बहुत जो गलतियाँ होंगी उसको आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सुंदरबन डेल्टा कहाँ पर है आपका? बंगाल में है। प्योर वाटर का पीएच मान, देखिए आप खुद भी देख रहे होंगे बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये अलग अलग शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं ना, तो रिपीट दिखेंगे आपको, और ये आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं ना, किसी का एग्जाम है अभी, तो जब भी फ्री हो पूरे दिन में पूरी वीडियो को चाहे कान में लीड लगा के सुन ले, बट ये क्वेश्चन सुन जरूर ले एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे नेक्स्ट आपका किस स्टेट में सबसे पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की गई है आपका? बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका में स्टार्ट की गई है। स्पोर्ट डे आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 इंडिया में ही होना है। हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी लिमिटेड से कोई क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन तो उस टाइम पे नहीं पता चला था। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, भारत के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? जाकिर हुसैन, राइट आंसर हो जाएगा। बाहुबली मूवी के डायरेक्टर इतनी बार तो आ चुका है एसएस राजमौली, राइट आंसर हो जाएगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। फतेहपुर सीकरी में किसका मकबरा बना हुआ है? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिकंदरा यानी कि आगरा में है जो, किसका मकबरा बना हुआ है? अकबर का। फोर्स की एसआई यूनिट आपकी न्यूटन हो जाएगी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 में, ठीक है। यकृत किस सेल से बना हुआ होता है? ये क्वेश्चन अभी मैं ऊपर करा के आया हूँ आपको, तो इसका भी राइट आंसर आप मुझे बताइएगा। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने इसको फाइनल कराया था, यानी कि बहुत सारे शासक ऐसे इसको बनवाते रहे थे, बट जो फाइनल बोला जाता है वो आंसर आपका शेरशाह सूरी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका डीएमके एंड आरडीएमके क्षेत्रीय पार्टी किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2018 का फिटनेस एक्टर अवार्ड किसको मिला? अक्षय कुमार को, राइट आंसर हो जाएगा। प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल आपका हो जाएगा। अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में, जो कि 15 अक्टूबर 1542, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया ओपन 2017 किसने जीता? आपका रोजर फेडरर, राइट आंसर हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी आपका कोई क्वेश्चन था। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? दिल्ली में है। आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल है। गोदावरी कोरक पुरस्कार किसको मिला था? अमोल पालेकर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। फीफा में फुटबॉल टूर्नामेंट को कब शामिल किया गया था? कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपके
क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछा गया था, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन था। जितने भी मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको नोट कर लीजिए और ये आपके दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। मतलब कि टॉपिक तो रिपीट होंगे ही होंगे, टॉपिक तो यही रहने वाले हैं। इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेते हैं, देखिए लिमिटेड टॉपिक है, कुछ ही टॉपिक हैं जो आपको, मतलब अगर आप सारे के सारे टॉपिक देखेंगे, जैसे आरबीआई का गवर्नर हो गया, तो आपको गवर्नर ये दो चार थोड़े ही हो जाएंगे, ठीक है। गवर्नर के बारे में पढ़ लीजिए थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है। जैसे सीएम पूछ लिया गया, तो सीएम आपके सारे स्टेट के याद होने चाहिए, गवर्नर सारे स्टेट के याद होने चाहिए, और आपका जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर है वो सारे आपको पता होने चाहिए, सीईओ जो मेन कंपनी है वो पता होने चाहिए, ठीक है। पीएच मान आपको पता होने चाहिए, एसआई यूनिट आपको पता होनी चाहिए सारी, तो ये चीज़ें अलग नहीं होती है। विटामिन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चीज़ें आपको दिख रही हैं बिल्कुल साफ साफ कि कहाँ से रिपीट हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि छोड़ने भी होते हैं, ऐसे नहीं होते कि 100 के 100 आपको अटैम्प्ट करके आने हैं। अगर आप 70 से 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ रहे हैं तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उस पर तुक्का मत लगा के आइएगा, छोड़ के आइएगा। नेक्स्ट आपका फीफा में फुटबॉल टूर्नामेंट, ये हो गया आपका। गोवर्धन योजना कहाँ योजना शुरू करने वाला राज्य हरियाणा हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में अवधि और समूह की संख्या आपके, यानी कि पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है, जो आपका आधुनिक है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई डू वॉट आई डू बुक किसकी है, रघुराम राजन जी की, ठीक है। फॉर्मर जो हमारे गवर्नर थे आरबीआई के, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रघुराम राजन। 45वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, सभी को पता है। सांची का स्तूप किस नोट के ऊपर बना है, 200 रुपए के नोट के ऊपर सांची का स्तूप बना है। वीरेंद्र सहवाग के बाद किस भारतीय बैट्समैन ने टेस्ट में 300 रन बनाए, करुण नायर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शोले मूवी में गब्बर का रोल किसने किया था, अमजद खान राइट आंसर हो जाएगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी, 133वीं, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी में सबसे कम उम्र में गोलकीपर बनने वाला खिलाड़ी आपका केविन हो जाएगा। लारेल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, दीपिका पादुकोण, एक क्रीम की कंपनी है, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार इसका, ये दीपिका पादुकोण, देखिए वैसे चेंज होते रहते हैं इसमें, बहुत सारे देखे मैंने भी जैसे ऐड देखते हैं, तो अभी तो शायद आई थिंक आपका दीपिका पादुकोण ही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुंबई इंडियन का मालिक कौन है, मुकेश अंबानी जो और रिलायंस, आपका जो भी ऑप्शन में मिले वही राइट आंसर लगा दीजिएगा। फिल्म फेयर 2017 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको मिला, आमिर खान को। बाहुबली मूवी में भल्लाल देव का रोल किसने किया था, राणा दग्गुबत्ती राइट आंसर हो जाएगा। SBI के चेयरमैन रजनीश कुमार राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन इंसानियत किससे रिलेटेड है, आपका बांग्लादेश से रिलेटेड है। प्रोपेन का सूत्र C3H8 राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला ऑफ पावर वर्क अपॉन टाइम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स आपकी निगेटिव होती है। जड़त्व का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। एलिमेंट नंबर 57 किस समूह से संबंधित है, ब्लॉक एफ से। ऑप्शन में देखिए ब्लॉक्स भी पूछे जा रहे हैं, तो ब्लॉक एफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लार में एंजाइम मौजूद है, तो आपका होता है पटालीन और लियो जिम्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, देखिए गलत लिखा है यहाँ पे, ये आपका टंडन नहीं होगा, लिगामेंट होगा और मांसपेशियों के साथ हड्डी को जोड़ता है, ये आपका टंडन हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा कर लीजिएगा, ये लिगामेंट होगा, लिगामेंट और ये आपका टंडन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों के दोनों को, ठीक है। यहाँ पे आपका था कि सैमसंग के सीईओ किम की नाम राइट आंसर हो जाएगा। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में हो जाएगी, ठीक है। करंट को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर, और भी बहुत सारे कई तरीके हैं, तो जो भी ऑप्शन में होगा वहाँ पे उस दिन ऑप्शन में था आपका गैल्वेनोमीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के तो कई बार हो चुका है, बहुत ही बार पूछा जा चुका है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपका 1/2 mv² राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस्पात उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत कौन से स्थान पर सबसे बड़ा देश बन गया है, आपके तीसरे स्थान पर, ठीक है। यानी कि अब अमेरिका आपका चौथे स्थान पर चला गया है। इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है, यह आपका गोवा राइट आंसर हो जाएगा। अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बोमिन राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से तो आपके क्वेश्चन पूछे जा ही रहे हैं। नेक्स्ट आपका ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट किस वुमेन को मिला है, तो संता गोस्वामी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओडी के ब्रांड में सिर्फ विराट कोहली है। आंखों में रोशनी लाने का कार्य कौन सा भाग करता है, कॉर्निया राइट आंसर
हो जाएगा। कबड्डी वर्ल्ड कप 2018 किसने जीता? इंडिया और ईरान, इंडिया ने जीता है और ईरान को हराया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा किसको हराया था। ठीक है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का। और नेक्स्ट आपका जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला जज आपका गीता मित्तल राइट आंसर हो जाएगा। पीएच वैल्यू निकालने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? आपका लिटमस टेस्ट राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपका रेटिनोल होता है। पुद्दुचेरी के गवर्नर कौन है? किरण बेदी राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट आईएएस ऑफिसर भी किरण बेदी है, ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीएस है, ठीक है, आईएएस नहीं है, आईपीएस ऑफिसर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका 18वें ग्रुप में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो 7 एलिमेंट पाए जाते हैं, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, जियोन और रडान। ये आपका मतलब ये देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन में होगा तो आप उनमें से आंसर लगा सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 गोल्डन बूट किसको मिला है? हैरी केन को। एक्सीलरेशन की यूनिट तो कई बार आ चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर राइट आंसर हो जाएगा। एक था आपका पाकिस्तान के हाई कोर्ट की पहली महिला जज ताहिरा सफदान राइट आंसर हो जाएगा। पित्त कहाँ से स्रवित होता है? बाइल डक्ट से आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? तो ध्रुव पर यानी कि पोल्स पर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है संगीत एकेडमी की स्थापना कब हुई? 31 मई 1952 में। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। प्रेशर की ऐसा यूनिट आपकी पास्कल हो जाएगी। 2017 में पंजाब विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली थी। पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा में है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने ग्रुप और कितने पीरियड है? तो 9 ग्रुप और 7 पीरियड। देखिए यहाँ पे अभी आपका 9 ग्रुप और 7 पीरियड थे और अभी जो है करंट में आपके 18 और 7 हैं अभी करंट में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? तो लाल राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल राइट आंसर हो जाएगा। फोर्स की एसआई यूनिट आपकी न्यूटन हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। सल्फर में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? 16। एटॉमिक नंबर आपका जो है 16 है और मास नंबर आपका 32 है, तो ये भी याद रखिएगा। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? फंक ने। यूरेनियम की खोज किसने की थी? विलियम हार्सल ने, ठीक है। एल्किन का सूत्र क्या है? CnH2n+2 राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी वर्ल्ड कप कहाँ पर होगा? इंडिया उड़ीसा में। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन राइट आंसर हो जाएगा। सबसे हल्का सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ओस्ट्रिच का सबसे बड़ा अंडा, ठीक है भाई। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है आपका? ये कई बार आ चुका है, NaHCO3 राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा से रिलेटेड क्वेश्चन था। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 कृष्णा सोबती जी को मिला था। हिंदी मीडियम के डायरेक्टर कौन है? साकेत चौधरी। 2017 का स्क्रीन लोकप्रियता अवार्ड किसको मिला था? वरुण धवन आई थिंक राइट आंसर होगा। देखिएगा कोई और होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एडोब के सीईओ कौन है? शांतनु नारायण राइट आंसर हो जाएगा। आरोग्य रक्षा योजना किस राज्य से शुरू की गई? आंध्र प्रदेश से। हिंदी मीडियम के सबसे अच्छे अभिनेता, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाल विकास मंत्री कौन है? मेनका गांधी राइट आंसर हो जाएगा। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? C3H8 राइट आंसर हो जाएगा। 2018 में टेस्ट मैच में भारत की रैंकिंग कितनी थी? पहले नंबर पे और ODI में दूसरे नंबर पर, T20 में दूसरे नंबर पे, ठीक है। खेलो इंडिया की शुरुआत कब हुई थी आपका? 31 जनवरी 2018 में। 2017 का कबड्डी चैंपियन किसने जीता आपका? इंडिया ने। सूर्य में ऊर्जा किस चीज़ से बनती है? तो ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल दो रिलेटेड क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट होगा मुगल सराय का नाम बदलकर अभी क्या रखा गया? दीनदयाल उपाध्याय राइट आंसर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी से न्यूमेरिकल आपके पूछा गया था, तो देख लीजिएगा न्यूमेरिकल भी इनके। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस किस महान व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर, ठीक है। कैपिटल ऑफ कार्टियो राइट आंसर आपका हो जाएगा जागरेब राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? पास्कल ने। लाइकेंस किसके सूचक माने जाते हैं वायु प्रदूषण के? नोबेल गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक था नॉर्थ ईस्ट विजय 2022 किसने लॉन्च किया? तो यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रिशियन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविश शंकर ने, मतलब राइट आंसर हो जाएगा रविश शंकर। मुंबई में बारिश किस घाट के कारण होती है? पश्चिम घाट के कारण। NaHCO3 का रासायनिक नाम यानी कि किसका रासायनिक नाम है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं।
नींबू के रस का पीएच मान आपका 2.2 होता है। ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं, तो ओम्स लॉ के रिलेटेड भी आप क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा। यही पॉइंट होता है कि कहाँ से क्वेश्चंस पढ़ के जाने आपको, ठीक है। गोल्डन बूट अवार्ड आप किसको मिला है, आपके इंग्लैंड के कैप्टन है हैरी केन, राइट आंसर हो जाएगा। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। आपका शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस, राइट आंसर हो जाएगा। 2017 के क्रिकेट से संन्यास किसने लिया, सभी को पता होगा, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गर्भाशय के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ऑक्सीटोसिन, राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन, राइट आंसर हो जाएगा। द ओविलिक गेट के राइटर कौन है, ये एनके जेमिसन, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आपका कृष्णा सेंचुरी कहाँ पर है, आपका ये आंध्र प्रदेश में है। गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। बाहुबली मूवी के में देवसेना का रोल किसने किया था, अनुष्का शेट्टी ने। T20 में 5 विकेट लेने वाला भारतीय खिलाड़ी ये हो जाएगा युजवेंद्र चहल, राइट आंसर हो जाएगा। दूती चंद ने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर। नीति आयोग के डायरेक्टर कौन है, दिनेश अरोरा। संचार मंत्री कौन है, रविशंकर प्रसाद। गीता सेट्टी किस खेल से संबंधित है, आपका बिलियार्ड से। ठीक है, बाकी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अभी रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं, बट आप देखते रहिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो, क्योंकि याद भी हो जाएंगे। फुल फॉर्म ऑफ LPG आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, ध्यान रखिएगा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपका NaHCO3, राइट आंसर हो जाएगा। ओम्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 और 23 जोड़े पाए जाते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे जाता है, मेंडलीफ को। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, हाँ मेंडलीफ हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, पीएच वैल्यू विन आपका 3 से 4। सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपीज होती है, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी यूनिट आपकी जूल होती है, ठीक है। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हेनरी कैडविशन ने, ठीक है, ठीक है, हेनरी कैविडिस, राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन मोलिक्यूल मोलिक्यूलर मास आपका नंबर 8 होता है, ठीक है। इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है, अग्नाशिया में। मॉरिशस कैपिटल क्या है, पोर्ट लुइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे गंदा रेलवे स्टेशन आपका मथुरा और शाहगंज हो जाएगा, ये दो आपके दो सबसे गंदे रेलवे स्टेशन है, ठीक है। PNB के ब्रांड एम्बेसडर आपके विराट कोहली, देखिए अभी थोड़ा यार प्रॉब्लम हो रही है, अभी जो भी क्वेश्चंस बच जाएंगे मैं देखता हूँ, जितने अगर ज़्यादा बच रहे होंगे तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ। आप PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। PDF आपको कहाँ से मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको उससे ज्वाइन कर लेना है, या फिर आपके पास अगर टेलीग्राम होगा तो टेलीग्राम पे जाके टॉपिक स्टडी सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी PDF मिल जाएगी, पूरी एक ही PDF होगी, ठीक है। गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली कब आए थे, ये भी अभी मैंने बताया था, तो इसको देख लीजिएगा। हरिद्वार किस नदी पर किनारे हैं, गंगा के, ठीक है। बिग बॉस 11 वाला आ चुका है, ये आई डू वो की अभी रघुराम राजन हो चुका है। रोड सेफ्टी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अक्षय कुमार, अभी आपने देखा भी होगा एक ऐड आता है रोड सेफ्टी से रिलेटेड ही, ठीक है। एशिया गेम में सबसे पहले गोल्ड किसने जीता, बजरंग पूनिया, राइट आंसर हो जाएगा। 2010 का नाबार्ड का पुरस्कार किसने जीता, माइक्रो फाइनेंशियल कंपनी है कि इसने जीता था। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, गोपाल कृष्ण गांधी जी को, राइट आंसर हो गया, यानी कि गोपाल कृष्ण गांधी। फाउंडर ऑफ पेटीएम आपका विजय शेखर शर्मा, राइट आंसर हो जाएगा, और यही अभी इनके CEO भी है, तो ये ध्यान रखिएगा। CM ऑफ झारखंड कौन है, रघुबर दास, राइट आंसर हो जाएगा। स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। रक्षा मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमन जी है, सभी को पता है आपको, ठीक है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा, राइट आंसर हो जाएगा। स्मॉल बर्ड आपका हुमिंग बर्ड, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हुमिंग बर्ड राइट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट बोन आपकी फीमर होती है, थाई की बोन जो होती है, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आपका है माइमथ डिजीज किससे होती है, मर्करी पॉइजिंग से। नोबेल अवार्ड फॉर पीस किसको मिला है, ये था आपका टीम साउदी किस देश से है, न्यूजीलैंड से है। ब्लैक हिल बुक ऑथर कौन है, ममंग दाई, राइट आंसर हो जाएगा। हुसैन लेक कहाँ पर है, हैदराबाद में है। नैनीताल लेक कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। हाई स्पीड ट्रेन साउदी अरब आपका क्या नाम है उसका, हराई मेन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को मनाया जाता है। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाडा जी है। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इमानुएलिन मैक्रो, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका मिस फेमिन
ये आपका हो जाएगा अनुकृति वास, राइट आंसर हो जाएगा। वोटर डे 25 जनवरी को मनाया जाता है। बेस्ट एक्टर अवार्ड आमिर खान। फिल्म फेयर अवार्ड आपका से रिलेटेड क्वेश्चन था आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर में। प्लानिंग कमीशन के अध्यक्ष तो सभी को पता ही है। देखिए अभी जो बोला था ना मैंने, प्लानिंग कमीशन से नीति आयोग बना था, तो पहले प्लानिंग कमीशन के भी अध्यक्ष आपका पीएम ही होता था। जो भी देश का पीएम होता है वो प्लानिंग कमीशन का अध्यक्ष होता था। एयू के एयू फाइनेंस बैंक के सीईओ कौन है? संजय अग्रवाल। ये भी क्वेश्चन आपका आया था। आरएच फैक्टर डिस्कवर्ड बाई आर के लैंड स्टीनर, राइट आंसर हो जाएगा। हैवीएस्ट मेटल ओस्मियम हो जाएगा। इनर्ट गैस आपका हीलियम, ऑर्गन, नियोन, रडान, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। प्लांट किस हार्मोन की वजह से लाइट की तरफ को झुक जाता है? ऑक्सिन, ठीक है। एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, उसकी वजह से। वन हॉर्स पावर इक्वल टू आपका क्या होता है? 740 वोट। क्लोरीन नोन एज, तो ये हो जाएगा आपका डिस इन्फेक्टिव, राइट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ फोर्स आपकी न्यूटन होती है, ठीक है। हेलोजन आपका 17वें ग्रुप में होता है। आरबीआई के गवर्नर तो पहले भी आ चुका है, उर्जित पटेल है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? राजा टोडरमल, राइट आंसर हो जाएगा। गोवर्धन योजना किस राज्य से शुरू की गई थी? हरियाणा से। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में। मानव विकास सूचांक 1990 किसके द्वारा शुरू किया गया था? महबूब उल हक, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे ये, ठीक है। NDRF की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। STD की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मिस यूनिवर्स 2000 कौन हो जाएगा? डिम लिंग नेल पीटर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मनुष्य छिल्लर है वो मिस वर्ल्ड रही थी, मिस यूनिवर्स की बात की गई है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल आपका से 4 से 5 क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 इंडिया में। मैत्री युद्ध किस देश के बीच में होता है? इंडिया और थाईलैंड के। और आपका कसेरू दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33। कोबाल्ट की परमाणु संख्या 27। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्ड बूट का अवार्ड किसने जीता था? हेनरी केन ने। कई बार आ चुका है अभी। पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन। सबसे भारी धातु ओस्मियम। साई की फुल फॉर्म जैसे मैंने आपको बताई थी पहले, विस्फोट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये भी Washington DC में है, तो ध्यान रखिएगा आपका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का भी, IMF का भी हेडक्वार्टर आपका Washington DC में है। पीएच वैल्यू से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप पीएच वैल्यू भी याद करके जरूर जाइएगा। सऊदी अरब की कैपिटल क्या है? रियाद है, ठीक है। फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? अरुण जेटली है। संपदा योजना की शुरुआत की गई थी? एग्रो मरीन ने, ठीक है। आपका जो संपदा योजना है किसके लिए शुरुआत की गई थी? एग्रो मरीन, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्लांट रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। वर्ल्ड बर्ड डे आपका 13 अक्टूबर हो जाएगा, ये भी आपका पूछा गया था। राणा प्राप सागर डैम कहाँ पर है? राजस्थान में आपका चंबल नदी के ऊपर। नेक्स्ट आपका लास्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल है आपका यूनोकीटियम, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। और आपका देखिए फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा हाइड्रोजन। और पंजाब के CM आपका हो जाएगा अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। लेफ्ट हैंड डे कब मनाया जाता है? लेफ्ट हैंडर्स डे आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है। CMO पुडीसा आपका नवीन पटनायक, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। हुमैन राइट डे आपका 10 दिसंबर को, ठीक है। नेशनल वोटर डे 25 जनवरी को। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ जम्मू कश्मीर गीता मित्तल। सी ऑफ सैमसंग किन नाम, राइट आंसर हो जाएगा। बर्थ डे भी मैं आपको बता चुका हूँ, 13 अक्टूबर। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप 2019 फ्रांस में होगा। वो बाय फ्लिपकार्ट 70% ओनरशिप, सभी को पता है आपका वॉलमार्ट ने, ठीक है। नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी लिवर होगा, ठीक है। स्किन भी बहुत से बच्चे बोलेंगे, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोक्साइड अभी ऊपर बताया था। फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये फंक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मर आपका, ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया। एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन आपका 7 होता है। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड आपकी 7.35 यानी कि 7.4 भी आप बोल सकते हैं। ओजोन परत मापने के लिए इकाई का यूज किया जाता है डोब्सन यूनिट का। सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? मरकरी है। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहा जाता है? अफगानिस्तान को, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। सोनम कपूर को किस मूवी के लिए अवार्ड दिया गया? नीरजा के लिए, ये राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के हाईकोर्ट की पहली महिला जज, ये तो हो चुका है, ठीक है। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? आपकी हरियाणा में हुई थी, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे रोमियो स्क्वाड बनाए गए थे यूपी में, तो ऐसे ही वहाँ पे
ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की गई थी। बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्म कौन सी रही 2017 की बाहुबली मूवी हो जाएगी। आईपीएल 2018 का विनर कौन रहा था, चेन्नई सुपर किंग राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बार आईपीएल कौन जीता, ये भी आई थिंक सुपर चेन्नई किंग ही हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग ही, तो बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। जीएसटी मॉडल किसने कितने हैं, तो आपके देखिए जीएसटी मॉडल आपके देखिए तीन बताए जाते हैं, बट यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया गया था तो आपका सी जी एस टी और एस जी एस टी है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे तीन होते हैं आई थिंक, एक और होता है आई जी एस टी। जीएसटी लगाने वाला सबसे पहला राज्य असम था। मैनलिफ की आवर्त सारणी में कितने एलिमेंट थे, 63 थे। काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन था। एमोबा जो है आपका, एमोबा किस तरीके के विभाजित करता है, तो बाइनरी फ्यूजन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन कहाँ पर स्रावित होता है, अग्नाशय में होता है। बुलेटिन ऐप की शुरुआत किसके द्वारा की गई, गूगल के। नींद की बीमारी को क्या कहा जाता है, इंसोमिया। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, चार कक्ष होते हैं। एंड्रॉयड ओरियो एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है, 15वां। भारत की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस कौन है, दीपिका पादुकोण। ये हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस यानी कि जिसको सबसे ज्यादा पैसा दिया जाता है। असम के राज्यपाल कौन है, जगदीश। ये तो यार इतनी बार आ चुका है, 5-6 बार तो अभी देख चुके होंगे आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, और ये आया है इतनी बार इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। असम के सीएम भी यहाँ पे पूछे गए, तो सर्बानंद सोनोवाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है भारी पानी का रासायनिक नाम क्या होता है, D2O। आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका प्रयोग नहीं होता है, O2 का। सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला किसने किया था, नीरव मोदी ने सबसे बड़ा अभी तक का बैंकिंग घोटाला किया है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, सेरिब्रम। आवर्त सारणी में टेढ़े मेढ़े लाइन क्या दर्शाती है, धातु के अधातु से अलग करती है, धातु को अधातु से अलग करती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन किस तरीके से विभाजित करता है, बडिंग से। ठीक है, नेक्स्ट आपका 15-16 की एज में बॉयज में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, तो टेस्टोस्टेरोन राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था, जाकिर हुसैन। सिक्के किस चीज के बनते हैं। ठीक है, कॉपर और निकल के मिक्सचर के बनते हैं सिक्के जो होते हैं ना, जो ये 5-10 रुपीज के जो सिक्के हैं हमारे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 में। तारे जमी पर एजुकेशन प्रोग्राम कहाँ पर और किसने शुरू किया था, झारखंड पुलिस ने। ठीक है, झारखंड में ही शुरू किया था। इंडिया का कौन सी लाइन क्रॉस, किस जो इंडिया को क्रॉस करके जाती है, कौन सी लाइन क्रॉस करती है, ये कर्क रेखा आपकी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। धातु के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। 2018 का फिटनेस एक्टर अवार्ड अक्षय कुमार, दोबारा रिपीट हो गया। कंचनजंगा बायोस्फीयर किस राज्य में है, फ्लावर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। जादू टोना कौन से वेद से संबंधित है, यहाँ पे यजुर्वेद ही होना चाहिए, बहुत से बच्चे ने गलत कमेंट बताया था ये, तो आप मुझे बताइएगा जो राइट आंसर इसका होगा। ताप्ती नदी कहाँ पर है आपका, ये आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है भाई, एक था रेगुलेटिंग एक्ट आपका कब पास किया गया था, 1773 में। डीएमके और आरडीएमके क्षेत्र पार्टी किस राज्य से संबंधित है, पहले भी आ चुका, तमिलनाडु। पास्कल के सही परिसर के सही यूनिट पास्कल। मोस्ट एबंडेंट गैस ऑन अर्थ नाइट्रोजन। सेला दर्रा सुरंग कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। नेचुरल सोल्यूशन का पीएच मान, देखिए नेचुरल सोल्यूशन बोला जाए चाहे वाटर बोला जाए, तो यहाँ पे 7 ही राइट आंसर होगा। ठीक है, पीएच मान 7 होगा। जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी। मौद्रिक नीति कौन लागू करता है, आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बाहुबली मूवी रिलेटेड क्वेश्चन आपके था क्वेश्चन, तो यहाँ पे डायरेक्टर ही पूछा गया होगा, SS राजमौली राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लम कुल्लम बुक आपका ऋषि कपूर की है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तो आपके कई बार रिपीट हो चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर किस पार्टी से आते हैं, बीजेपी से। 2017 में फिल्म फेयर कहाँ हुआ, मुंबई में। लंदन किस नदी के तट पर है, थेम्स के। स्मृति रानी कपड़ा मंत्री है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा नंबर है, 6 है। स्नूकर में पद्म विभूषण 2018 का अवार्ड किसको मिला है, पंकज आडवाणी को। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत हो जाएगा। 6000 रन बनाने वाली महिला आपकी मिताली राज हो जाएगा। सूचना मंत्री कौन है, रविशंकर हो जाएगा। तमिलनाडु में शिव मूर्ति का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इंदिरा मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में हुई, इंडिया और रशिया के। बल्ब में कौन सा फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन। ठीक है,
तो देखिए दोस्तों, सारे ही मैंने कवर कर लिए हैं। और अगर आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट परचेज नहीं किए हैं तो ऑनलाइन टेस्ट जरूर परचेज कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगा के जाते हैं, इस वीडियो को पढ़ के जाते हैं, इस वीडियो में जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं आपको वो सारे पढ़ के जाते हैं, तो कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। ठीक है, चाहे जैसी भी आपकी अभी तक की प्रिपरेशन थी उसको भूलते हुए अगर आपके पास 10 दिन भी है, 5 दिन भी है, सॉरी 10 तो ज़्यादा ही बता दिया मैंने, 5 दिन भी है, तो 5 दिन आप ये करिए कि 14-15 घंटे पढ़िए, 14-15 घंटे में एक सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, ऑनलाइन टेस्ट परचेज करके डेली ऑनलाइन टेस्ट भी लगाइए, जिससे आपको थोड़ा सा मतलब टाइम भी सेव करना मिल जाए। ठीक है, कैसे टाइम सेव करना है, इसमें 30 टेस्ट हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में, इसको आप लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल कहीं पे भी दे सकते हैं। प्राइस तो इसके 149 है, बट आपको यहाँ पे एंड चल रहा है अभी तो 20% का डिस्काउंट टॉपिक स्टडी फैमिली को मिल रहा है। तो टॉपिक स्टडी फैमिली को कैसे मिलेगा 20% का डिस्काउंट, आपको ये भरना है सौरभ एसपीएल आप भरते हैं तो उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाता है सीधा, तो ये आपको फायदा रहेगा, यानी कि आपको ₹120 में टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम मैंने बताई दिया है, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पे मिल ही जाएगी, अगर नहीं ज्वाइन किया तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा, और बहुत सारी पीडीएफ मैं वहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है ना, सबसे पहले आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। देखिए, आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा, बहुत मेहनत लगी है, गला भी दुखने लगा मेरा बोलते बोलते, और बहुत सारी चीज़ें मैं गलत भी बोलता जा रहा था बीच में, तो उसके लिए सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, आंसर किसी गलत बोला तो आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। ठीक है, कोई भी डाउट होगा ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।